मध्य प्रदेश में नेताओं की बीजेपी छोड़ने की दो वजह, भ्रष्टाचार और कांग्रेस की बढ़ती ताकत, शिवराज और महाराज की लुटिया डूबी। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में अपने जीत दर्ज करने के लिए जहां एक तरफ शिवराज सरकार लगातार योजनाओं की झड़ी लगा रही हो, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को हर दिन झटके भी मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई नेता या तो शिवराज सरकार को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं या फिर पार्टी से जाने की तैयारी में है। हाल ही में पार्टी के नौ कद्दावर नेताओं ने शिवराज सरकार का साथ छोड़ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में आने की इच्छा भी जताई थी। इन नेताओं को बीते शनिवार मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी की मेंबरशिप भी दिलाई। ऐसे में सवाल उठता कि आखिर राज्य में एक के बाद एक नेता कांग्रेस का दामन क्यों थाम रहे हैं। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले कौन है वो नेता? इन नौ नेताओं में भोपाल से पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता के भांजे डॉक्टर आशीष अग्रवाल, गुनू सहित पूर्व विधायक भंवर सिंह, शेखावत, चंद्रभूषण सिंह मुंदेला और गुड्डू राजा, दो बार झांसी से सांसद रेजवान सिंह मुंदेला के बेटे वीरेंद्र रघुवंशी, छेदीलाल पांडे, शिवम पांडे, अरविंद धाकड़ शिवपुरी, सुश्री अनुषु रघुवंशी, डॉक्टर केशव यादव भिंड और महेंद्र प्रताप सिंह है। क्यों बिखर रही है बीजेपी? पहला नंबर, भ्रष्टाचार का आरोप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। कांग्रेस पार्टी लगातार शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तो राजधानी दिल्ली में बन रहे मध्य प्रदेश भवन में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान का एक ही मंत्र है, पैसा दो और काम लो। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा, शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं करते बल्कि हर एक्शन में भ्रष्टाचार करते हैं। मध्य प्रदेश का 50% कमीशन राज हर रोज नए नजारे पेश कर रहा है। दिल्ली में बना नया मध्य प्रदेश भवन इसका ताजा उदाहरण है। नंबर दो, पावर नहीं देने का आरोप। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था, मैं पिछले 3 सालों से कोलारस का विधायक हूं और जब से सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है तब से मुझे जनसेवा करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आगे कहा, मैं विकास के मुद्दे उठाता था लेकिन उसे अंजाम देने के लिए पार्टी के प्रभारी मंत्री तक मेरी मुलाकात शिवराज से नहीं कराते थे। वीरेंद्र रघुवंशी का आरोप है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक खास परिवार के वर्चस्व के अंदर आ गई है। इस खास परिवार से उनका इशारा सिंधिया परिवार से था। बीजेपी में सबको साथ लेकर चलने की चुनौती। राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने लगभग हर जिले में कोई न कोई बड़ी परियोजना की शुरुआत की है लेकिन घर के अंदर चल रहा असंतोष फिलहाल उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मई महीनों में मध्य प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था, बीजेपी का संगठन विशाल है और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इसमें सभी को समायोजित कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में राजनीति का चरित्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार के जैसा नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस नेता ने संगठन का साथ छोड़ा वो कुछ कर नहीं पाया, इतिहास इस बात का साक्षी है।